नमस्कार विद्यार्थियों, आज 11 जुलाई 2020 और इस 11 जुलाई 2020 में हमारा पार्ट 3 अभ्यास 3 को होता है और इसमें हमारा तीसरा प्रश्न आज चलेगा। तीसरा प्रश्न है और इसमें हमें बहुपद दिया है f(x)(2x)^4 − 3x^3 − 3x^2 + 6x − k। तो अब इस बहुपद के हमें दो शून्य दिए हैं, इस बहुपद के दो शून्य −2 है, यानी ये 4 घात वाला बहुपद है हमारा और इस 4 घात वाले बहुपद के दो शून्य हैं −2 और −2। हमें इस बहुपद के शेष शून्य निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे हल में वो देखेंगे। हल में सबसे पहले तो हमें जो शून्य दिए हैं अल्फा और बीटा है ये शून्य थे और ये शून्य दिए हैं −2। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब किसी बहुपद के शून्य दे रहे हो तो उन शून्यकों की सहायता से बहुपद निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, संगत बहुपद निकालने का। संगत बहुपद बराबर के कोष्ठक में x−α और x−k β। ये सूत्र तब लगाते हैं जब हमें शून्य दे रखे हो, तो ये हो जाएगा के कोष्ठक में x−α शून्य के अंदर को, ये हो गया x−√2 और ये x, ये माइनस है ये माइनस, दोनों गुणा होकर के प्लस हो गए, ये हो जाएगा x+√2, ये हो गया के कोष्ठक। अब ये a−b के रूप में है और ये a+b के रूप में है। आपको एक सर्वसाधारण ने बताई थी यदि a−b और a+b आपस में बड़ा हो रहे हो तो इनका गुणनफल जो होता है वो a²−b² के बराबर होता है। अब a यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर और b अंदर 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया के कोष्ठक में x² − और अंदर 2 का वर्ग हो गया 2। मैंने आपको बताया था कि यहाँ k जो है एक स्थिरांक होता है, k एक स्थिरांक है, इसलिए बहुपद आ गया हमारा, बहुपद बराबर आ गया x²−2। यानी जो शून्य को हमें दे रखे हैं उन शून्य को संगत बहुपद आ गया x²−k²। तो सबसे पहले तो आपको जो शून्य दे रखे हैं उनकी सहायता से आपको एक संगत बहुपद निकालना है। ये बहुपद निकालने के बाद में आपको शेष शून्य को बहुपद निकालना है। अब शेष शून्य को बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस प्राप्त बहुपद x²−2 का जो हमको बहुपद दिया गया है 2x³−3x³−3x²+6x−2 जो बहुपद हमको दे रखा है उसमें जो हमें प्राप्त हुआ है बहुपद x²−2 इसका भाग देना है। तो 2x³ में x² का भाग देंगे तो 2x² भाग गया, 2x² का x² से गुणा करा 2x⁴ आ गई, फिर 2x² का गुणा −k² से करा −k⁴ आ गई। सजातीय पद के नीचे सजातीय पद उतरेगा अर्थात घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला, घात 4 वाले के नीचे घात 4 वाला और घात 3 वाला पद हो तो उसके नीचे घात 3 वाला पद ही उतरेगा। और नीचे वालों के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का टर्म माइनस हो गया, ये माइनस का टर्म प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया, क्यों हो गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब घात 4 वाला प्लस हो गया तो पहले घात 3 वाला उतरेगा, घात के कटते हुए टर्म में उतरती है इसमें, यानी घात 4 वाले के बाद घात 3 वाला, घात 3 वाले के बाद 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर पद उतरेगा। अब ये 4x² में से 3x² है तो प्लस का x² ऊपर बचे 6x − 2 माइनस के 3x³ में x² का भाग दिया −k³x भाग गया, −k³x को गुणा x² से करा −3x³ −3x का −2 से गुणा करा प्लस के 6x माइनस, और ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये कट गए आपस में, ये कट गए क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब ये ऊपर तो बचा x² और यहाँ बचा −2। अब x² में x² का भाग दिया एक बार गया,
एक से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक से माइनस दो का करेंगे माइनस दो, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में कट गए और शेष पर आ जाएगा इसका जीरो। तो हमारा जो शेष शून्य रह रहे हैं उनका जो बहुपद है वो आगे वो है दो एक्स स्क्वायर माइनस से तीन एक्स प्लस एक। अब अपन को शून्य समीकरण लगाना है, इसमें क्या लिखेंगे शून्य समीकरण से, शून्य समीकरण से। मैंने पहले पहले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी बहुपद के शून्य वे मान होते हैं जो बहुपद में चर राशि के स्थान पर यदि प्रतिस्थापित कर दिए जाए अर्थात रख दिए जाए तो बहुपद का मान शून्य कर देते हैं। और हमको जो बहुपद प्राप्त हुआ है दो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक, इसको जीरो के बराबर रखेंगे शून्य निकालने के लिए। तो अब इसके गुणनखंड करेंगे तो दो का गुणा एक से करा तो दो हो गए, और दो के लिए जो संख्याएं होंगी दो और एक, यानी दो का और एक का गुणा करने पर दो आएंगे, अपन को माइनस के तीन चाहिए बीच में, तो ये दोनों माइनस के होंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे माइनस के तीन एक्स के, माइनस के दो एक्स और माइनस का एक एक्स और प्लस का एक बराबर जीरो। इनके दो दो के जोड़े बनाएंगे हम, पहले जोड़े में से दो एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस एक बचा, माइनस का एक कॉमन ले लिया एक्स माइनस एक बचा बराबर में जीरो। तो ये गुणनखंड आ गया इसके एक्स माइनस एक और दो एक्स माइनस एक बराबर जीरो। तो पहले एक्स माइनस एक को जीरो के बराबर रखेंगे फिर दो एक्स माइनस एक को जीरो के बराबर रखेंगे, और इससे तो एक्स बराबर एक आ गया और इधर दो एक्स बराबर एक और एक्स बराबर एक बटे दो। तो ये जो शून्य आए हैं एक्स के जो दो मान आए हैं ये हमारे से शून्य का गए, तो शून्य को अंडर रूट दो और माइनस अंडर रूट दो इसने दे रखा था, और इसके बचे हुए जो दो शून्य हैं वो एक और एक बटे दो आ गए। किसी भी बहुपद में जो बड़ी से बड़ी घात होती है नहीं उस बहुपद के शून्य होते हैं, ये चार घात वाला बहुपद था तो इसके चार शून्य होंगे, अगर ये चार घात की जगह तीन घात वाला होता तो इसके तीन शून्य होते, अब चार शून्य को जैसे दो इसने हमने दिए थे और दो हमने निकाल दिए एक और एक बटे दो, ये इसके बचे हुए शून्य आ गए। इसी तरीके से इसका एक और सवाल मैं आपको बताना हूँ तीसरे का दूसरा, इसमें हमें बहुपद दिया है तीसरे के दूसरे में x की घात चार माइनस छ x की घात तीन माइनस के छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स और माइनस के पैंतीस। और ये जो चार घात वाला बहुपद हमारा है इसके दो शून्य किसने अपन को दिए हैं दो प्लस माइनस अंडर रूट तीन, अर्थात पहला शून्य तो दो प्लस अंडर रूट तीन और दूसरा शून्य दो माइनस अंडर रूट तीन दे रखे हैं, और इनकी सहायता से हमें शेष बचे हुए दो शून्य निकाल सकते हैं। चार घात वाला बहुपद है और दो शून्य यदि इसने होने दिए हैं तो बचे कितने शून्य दो शून्य, उन दोनों शून्यकों को हमें पहले की तरह याद करना है हल। तो मैंने आपको बहुपद निकालने के दो सूत्र बताए थे, दूसरा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। अब हमें यहाँ शून्य दिए हैं इसने अल्फा और बीटा कहते हैं शून्य को, और ये शून्य दिए हैं दो प्लस अंडर रूट तीन और दो माइनस अंडर रूट तीन, इसका मतलब है कि एक शून्य को प्लस में दो प्लस अंडर रूट तीन में और एक शून्य के दो माइनस अंडर रूट तीन में। अब यदि इन शून्यकों का योग निकाले, मैंने आपको योग और गुणनफल से भी बताया था, तो शून्यकों का योग हो गया अल्फा और बीटा का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे दो प्लस अंडर रूट तीन प्लस दो माइनस अंडर रूट तीन, माइनस अंडर रूट तीन से प्लस अंडर रूट तीन कट गया और दो का और दो का टोटल आ गया चार। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर ये दो प्लस अंडर रूट तीन गुणा दो माइनस अंडर रूट तीन, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आ गए, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर सब समीकरण से बोल देंगे चार माइनस अंडर रूट तीन का वर्ग हो गया तीन, और चार में से तीन गया तो एक आ गया। अब बहुपद निकालने के लिए आपको एक दूसरा सूत्र हमने बताया था, बहुपद बराबर के कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया के कोष्ठक में
शून्य दो का योग कितना है चार, तो चार बढ़े हैं इंटू एक्स और गुणनफल कितना है एक, तो ये हो गया एक और तक में एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक। अब यहाँ के तो आपको मैंने बताया था एक स्थिरांक होता है, यहाँ के एक स्थिरांक है, इसलिए बहुपद आ गया हमारा बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक आ गया। तो ये जो शून्य हमें दे रहे थे उन शून्य को का क्या आ गया, ये बहुपद आ गया। तो इस तरीके से भी हम बहुपद निकाल सकते हैं। और एक आपको मैंने बताया था एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इनसे भी बहुपद हम निकाल सकते हैं। अब ये जो बहुपद हमारा आया है इस बहुपद का भाग लेना है, तो दिए हुए बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक और इस बहुपद का भाग लेना है एक्स की घात चार माइनस छह एक्स की घात तीन माइनस छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस के पैंतीस में भाग देना। एक्स की घात चार में एक्स की घात दो का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर भाग गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करा एक्स की घात चार, एक्स स्क्वायर का माइनस चार एक्स से गुणा करा तो माइनस चार एक्स की घात तीन, एक्स स्क्वायर का गुणा एक से करा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब ये तो कट गया आपस में, माइनस छह एक्स की घात तीन में से प्लस के चार एक्स की घात तीन गए, माइनस दो एक्स की घात तीन बचे, माइनस छब्बीस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये जुड़ करके हो गए माइनस सत्ताईस एक्स स्क्वायर, प्लस के एक सौ अड़तीस एक्स और माइनस के पैंतीस जो है ऊपर बचे। अब यहाँ के पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे तो माइनस दो एक्स की घात तीन में एक्स स्क्वायर का भाग दिया और माइनस के दो एक्स भाग दिया, कैसे गए तो देखो माइनस दो एक्स की घात तीन में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की घात तीन में दिया एक्स भाग बचा तो माइनस के दो एक्स आ गई, माइनस के दो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करा माइनस दो एक्स की घात तीन, माइनस दो एक्स का माइनस चार एक्स से किया प्लस आठ एक्स स्क्वायर, माइनस दो एक्स का गुणा एक से करा माइनस के दो एक्स, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब ये तो कट गए माइनस सत्ताईस एक्स स्क्वायर और माइनस आठ एक्स स्क्वायर हो गए माइनस पैंतीस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक सौ अड़तीस एक्स और प्लस का दो एक्स हो गए प्लस का एक सौ चालीस एक्स और माइनस के पैंतीस, माइनस के पैंतीस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो माइनस के पैंतीस भाग गया, माइनस के पैंतीस से गुणा करेंगे माइनस पैंतीस एक्स स्क्वायर, माइनस पैंतीस एक्स का माइनस चार से करेंगे प्लस का एक सौ चालीस एक्स, माइनस के पैंतीस का एक से गुणा करेंगे माइनस पैंतीस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कट गए ये कट गए ये कट गए और जीरो से इसका आ गया। तो हमारा जो बहुपद है वो बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स माइनस पैंतीस। अब शून्य समीकरण लगाएंगे इसमें, क्या लिखेंगे शून्य समीकरण से, शून्य समीकरण में बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पैंतीस बराबर जीरो, पैंतीस सात में जो पैंतीस होते हैं सात में से पांच गए दो बच जाएंगे माइनस के दो एक्स के टुकड़े हुए माइनस सात एक्स प्लस पांच एक्स माइनस पैंतीस बराबर जीरो, दो दो के जोड़े बनाएंगे एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस सात बचा प्लस के पांच कॉमन आ गए एक्स माइनस सात बचा बराबर जीरो, अग्रखंड आ गए हमारे एक्स माइनस सात और एक्स प्लस के पांच बराबर जीरो, दोनों अग्रखंड को जीरो के बराबर करेंगे एक्स माइनस सात बराबर जीरो तो एक्स बराबर सात आ गया और एक्स प्लस पांच बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस पांच आ गया। इस तरीके से बच्चों इसके दो बचे हुए शून्य आ गए सात और माइनस के पांच। सभी विद्यार्थी यूट्यूब या व्हाट्सएप पे वीडियो देखें और देख करके इन्हीं सवालों को जो मैंने कराए हैं वो आप अपने नोटबुक में इनको उतार लें और बचे हुए सवालों पर आपको दिन में करके देख लें, यदि आपसे हो जाते हैं तो उनको अपने निकाल लें, अन्यथा जब इसको खुलेगी तब उनको आपको आगे समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।